दोस्तों फाइनली अगले हफ्ते कैम्स अपना आईपीओ लेकर के आ रहा है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैम्स के बारे में, इसके बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर्स, मोट यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फाइनेंशियल्स और आईपीओ डिटेल्स के बारे में, और साथ में ये भी बात करेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कैम्स का पूरा नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि शुरू की गई थी ईयर 1988 में। बेसिकली कैम्स एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्रोवाइडर है, जो कि म्यूचुअल फंड्स और ढेर सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पिछले 20 सालों से सर्विस प्रोवाइड कर रही है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कैम्स इंडिया का सबसे बड़ा रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है, जिसका एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बेसिस पर मार्केट शेयर है अप्रोक्सीमेटली 70%। इसके बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें तो कैम्स का बिजनेस मॉडल B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस भी है और B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर भी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कैम्स के पास से ढेर सारी सर्विसेज लेती है, जैसे कि अकाउंट सेटअप करना, ट्रांजेक्शंस प्रोसेस करना, डेटा मैनेजमेंट, कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, रिस्क असेसमेंट करके उसको मैनेज करना, कमीशंस प्रोसेस करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा कैम्स जिन एरियाज में सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कलेक्शन सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सर्विसेज, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सर्विसेज, KYC रजिस्ट्रेशन सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन सर्विसेज। कैम्स का बिजनेस नेटवर्क टोटल 25 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है, जिसमें टोटल 278 सर्विस सेंटर्स है और ये अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आगे इसके मोट यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करें तो RTA का बिजनेस एक डुओपोली बिजनेस है, जिसमें सिर्फ दो ही बड़े प्लेयर्स है, जिसमें से पहला है कैम्स और दूसरा है कार्वी, जिसमें से अकेले कैम्स के बिजनेस का मार्केट शेयर है तकरीबन 70%, क्योंकि इंडिया की टॉप 5 AMCs में से 4 AMCs SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड और आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड को कैम्स सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इन चार को मिला के टोटल 17 ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जो कैम्स के पास से सर्विसेज ले रही है। यहाँ सबसे बड़ा मोट यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आसानी से RTAs को स्विच नहीं कर सकती, और इससे भी बड़ी बात यह है कि ई इंश्योरेंस पॉलिसीज में तकरीबन 84% और ई इंश्योरेंस अकाउंट्स में तकरीबन 67% कंबाइंड मार्केट शेयर है NSDL का और कैम्स का। चलिए अब बात करते हैं इनके प्रमोटर्स के बारे में। कैम्स का सबसे बड़ा प्रमोटर है ग्रेट टेरेन, जिसकी शेयर होल्डिंग है 43.53%। इसका दूसरा सबसे बड़ा प्रमोटर है NSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसकी शेयर होल्डिंग है 37.50%। इसके अलावा कैम्स में HDFC लिमिटेड की शेयर होल्डिंग है 5.99%, HDFC बैंक की शेयर होल्डिंग है 3.33%, HDFC ट्रस्ट की शेयर होल्डिंग है 3.19%, फेयरिंग कैपिटल इंडिया की शेयर होल्डिंग है 4% और एक्सिस की शेयर होल्डिंग है 1.94%। आगे फाइनेंशियल्स में इसके प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में इसका रेवेन्यू था 657 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 146 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2019 में इनका रेवेन्यू था 711 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 130 करोड़। 2018 के कंपैरिजन में ईयर 2019 में इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 11% की गिरावट देखने को मिली थी। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनका रेवेन्यू रहा है 721 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है 173 करोड़, जो कि ईयर 2019 के कंपैरिजन में 33% ज्यादा है। वहीं इनके कैश फ्लोज की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो था 162 करोड़ और फ्री कैश फ्लो था 119 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2019 में इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो था 187 करोड़ और फ्री कैश फ्लो था 152 करोड़। और फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो था 201 करोड़ और फ्री कैश फ्लो था 186 करोड़। इस तरह से दोस्तों हमें कैम्स के ऑपरेटिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से पर शेयर कैम्स की बुक वैल्यू है 108 रुपीज और रिटर्न ऑन इक्विटी है 31%, जो कि बहुत ही अच्छा है। और वर्किंग कैपिटल प्रेशर में रहने की वजह से इनका CFO टू EBITDA रेशियो 70% से कम है। चलिए अब बात करते हैं इसके IPO डिटेल्स के बारे में। कैम्स IPO की इश्यू डेट रखी गई है 21st September to 23rd September।
टोटल इश्यू साइज है रुपीज 2258 करोड़, शेयर की फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपीज, एक शेयर की इश्यू प्राइस रखी गई है 1250 रुपीज, एक लॉट में हमें दिए जाएंगे टोटल 12 शेयर्स और एक रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। IPO की अलॉटमेंट डेट रखी गई है 28 सितंबर, IPO अलॉट नहीं होने पर मनी रिफंड की डेट रखी गई है 29 सितंबर, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स 30 सितंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE पर IPO लिस्ट किया जाएगा 1 अक्टूबर के दिन। चलिए अंत में बात करते हैं कि क्या आपको ये IPO सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। देखिए दोस्तों, कैम्स के IPO में इश्यू प्राइस बहुत ही एक्सपेंसिव रखी गई है जो कि है 11.36 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो और 36.7 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। लेकिन क्योंकि ये अपने बिजनेस में मार्केट लीडर है और एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, इसलिए इसके IPO में हमें एक्सेसिव सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है और फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से इसमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, किसी भी IPO को सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप भी मेरी तरह इंडिया की नंबर 1 जीरो ब्रोकरेज फर्म जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसकी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग लिंक और डायरेक्ट IPO एप्लीकेशन लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल झील्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां मैं आप सभी के लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।